देखिए, बहुत शुभ है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, देश के लिए। और जिस प्रकार से भाजपा ने ईडी का दुरुपयोग आम आदमी पार्टी के खिलाफ किया, ये जग जाहिर हो गया। क्योंकि जो कुछ भी कल के दिन ईडी ने कोर्ट में कहा, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं थी जो कि पिछले से बदली हुई थी। अगर कल नहीं बेल को अप्रोच किया तो मुझे समझ में नहीं आता कि अरेस्ट क्यों किया था, क्योंकि अरेस्टिंग ही इलीगल थी उनकी। जिस प्रकार से कानून की धज्जियां उड़ाई गई, जिस प्रकार से एक एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली अरेस्ट किया गया और 6 महीने जेल में रखा गया, ये अपने आप में पनिशमेंट है, ये अपने आप में ऐसा वाक्या है जिसे पूरा देश शर्मसार होता है।